नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RD6699 व्लॉग्स में। लोकेशन तो बढ़िया चंदे को आसपास शानदार। हां, कई कर रहा था सारा टीवी का ना बिचारे। और अब यहां से जाएंगे हम सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने, फिर वहां से निकल जाएंगे कोटा। गाइस, दीपिका के घर से निकलने के बाद में अब हम जा रहे हैं सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने। और जैसे कि किले में चढ़ने के लिए बहुत सारे पोल हमने पार किए थे, वैसे शहर से निकलने के लिए इस ब्रिज को पार करना पड़ता है, अंडर ब्रिज को। ये भी एक पोल की तरह है। अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज की दीवारों पर जो शानदार पेंटिंग की गई है, बहुत शानदार लग रही है चित्तौड़ में। सो गाइस, अब देखिए ये एक रोड के ऊपर जो ब्रिज क्या वो शाइन बोर्ड बोलते हैं, इसमें सांवलिया जी के रोड की डायरेक्शन है। गाइस, ये आ गया है नेशनल हाईवे 27 और इसी से होकर हम सांवलिया जी के मंदिर जाएंगे। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है डायरेक्शन के लिए, सांवलिया मंदिर। हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो गाइस, 4 लाइन से ये मुख्य द्वार जो सांवलिया जी के जाता है मंडफिया गांव, ये आ गया। अब इसके नीचे होके हम राइट साइड में घूमेंगे। दोस्तों, 4 लाइन से सांवलिया जी का मुख्य मंदिर लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर भी एक दरवाजा को निर्माण चल रही है, दरवाजा बड़ा हुआ, यहाँ बहुत बड़ो। दोस्तों, फाइनली हम सांवलिया सेठ जी की बहुत ही सुंदर नगरी में पहुंच चुके हैं। और ये है यहाँ की निशुल्क पार्किंग, जहाँ पर हजारों गाड़ियाँ श्रद्धालुओं की खड़ी हो सकती है, वो भी निशुल्क। बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पर पार्किंग के लिए की गई है। उसके लिए गार्ड वगैरह भी तैनात यहाँ पर रहते हैं, लाइनें वगैरह सब डाली गई है, जहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब हम मंदिर परिसर के बाहर आ रहे हैं। कृष्णा मेरे साथ है और मम्मी सुनीता पीछे चल रही है। देखिएगा, निर्माण कार्य यहाँ पर लगातार चलता रहता है श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए। गाइस, मेरा ध्यान इधर भगवान कृष्ण की एक मूर्त पे गया, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत की तरह एक पक्षियों का घर अपने उंगली पर उठा रखा था। बहुत ही मनोरम यह दृश्य है। और पक्षियों के घर की यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है ये। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये यहाँ का प्रांगण है, प्रारंभ में जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये पहली झलक है अंदर घुसते ही श्री सांवलिया जी के मंदिर की। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये घास वगैरह लगाई हुई है, गार्डन बनाया हुआ है। और जिस गैलरी से हम, जिस रास्ते से हम जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। और कोई व्यक्ति इधर गार्डन में घुस के बदमाशी ना करे, इसलिए यहाँ पे जालियाँ लगाई है। देखिए गाइस, भगवान श्री कृष्ण की कितनी सुंदर तस्वीर थी। ये मंदिर है और ये महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है लाइन के लिए, ताकि कोई बदमाशी यहाँ पे ना हो। ये मंदिर का, और ये देखिए गाइस, जो पुराना पेड़ है, कल्पवृक्ष का पेड़ है गाइस, ये आप जानते हो नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जाओ तो इस वृक्ष को जरूर देखिएगा गाइस। ये कल्पवृक्ष का पेड़ है जो सूखा सूखा से नज़र आ रहा है। गाइस, ये है श्री सांवलिया जी का मंदिर, जिसका रेगुलर कहीं ना कहीं से निर्माण कार्य चलता ही रहता है गाइस।
तो गए सांवलिया सेठ जी के दर्शन करने के बाद और आरती का आनंद लेने के बाद हम फिर से दूसरी वाली गैलरी जहाँ से निकास द्वार होता है उधर से आ गए हैं। और मैं एक बार फिर से मंदिर के आपको दर्शन करा रहा हूँ, बस देखते ही जाओ और कुछ नहीं कहता मन, यहाँ आकर मन बहुत प्रसन्न होता है। देखिएगा कितना बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ी ज़मीन पर ये मंदिर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर कलाकारी पत्थरों से यहाँ पर की गई है। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ जी बोला जाता है सांवरिया जी को, दूर दूर से यात्री आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। देखिए गैस यहाँ के जो पक्षी है आरती के बाद में जो पक्षी हैं वो भी देखो क्रीड़ा कर रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त नज़ारा ये बना रहे हैं, इधर से उधर जो उड़ रहे हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ का दिख रहा है इन पक्षियों की वजह से। ये सब भी भक्तगण हैं, इनका सौभाग्य है कि ये इनके मंदिर में रहते हैं और दिन रात आरती का आनंद लेते हैं, ये सेवक हैं यहाँ के। देखिएगा इसमें वाइड एंगल से आपको दिखा रहा हूँ मंदिर, ये जूमिंग करा है मैंने थोड़ा पास से दिखाने के लिए। अब देखिएगा इस मंदिर के सामने जो पत्थर लगाए गए हैं जिनमें घास लगी है, बहुत ही सुंदर टेक्चर की तरह ये लग रहा है यार, चेक्स जो बने हुए हैं ना बहुत मस्त लग रहे हैं। वाह गाइस हम आ चुके हैं बाहर और अब जैसे कि मैं चारों तरफ देख पा रहा हूँ यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु और अपनी मनोकामना के लिए, जिनके पास घर नहीं होता या जो भी उनकी मनोकामना होती है उसी प्रकार से यहाँ पर वो घर बना के जाते हैं कंकर पत्थर का। ये देखो भाई ने कितनी ऊंची इमारत बना रखी है यार, ये जबरदस्त है। तो गाइस उसी तरह मम्मी और सभी ने जो मेरे साथ थे कृष्णा सुनीता रेखा और इधर से सारिका और वीर, इन सब ने भी सुनीता का घर और ये मम्मी ने बना लिया एक और घर और ये मेरा घर एक कृष्णा का घर। ऐसा हमारा सेठ ये सबका आन बड़ी बड़ी है वे लिया दीजो तारो घर कहाँ चे तारो घर। गाइस देखो कितनी ऊंची इमारत भाई बना के गया है यार, जरूर भगवान इसकी इच्छा को पूरी करेंगे ऐसी मनोकामना है। तो गाइस फाइनली हमने सांवरिया सेठ जी के दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं हमारे घर कोटा। बोलो सांवरिया सेठ जी की। सो गाइस ये था हमारा सांवलिया सेठ जी का टूर, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में सांवलिया सेठ जी की जय जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और जो नए व्यूवर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस ये हमें एक जगह मिली जहाँ पर हम भोजन कर रहे हैं और उसके बाद में हम जा रहे हैं अपने घर को। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस देखो हम यहाँ पर बैठ के सारे खाना खा रहे हैं। जय श्री राम। हेलो गाइस, हेलो गाइस कर रहा है। इसी तरह आपका प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा मेरे साथ ताकि मेरा चैनल थोड़ा बहुत चलता रहे। थैंक यू दोस्तों।